बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़िकराम। ये रहमान गार्डन फेज़ 7 का बी ब्लॉक है। यहाँ पे पिछले दिनों एक इम्पोर्टेंट इशू क्रिएट हुआ एक क्लाइंट के साथ। मैं उस हवाले से एक मुख्तसर सी वीडियो बना रहा हूँ। ये जो सामने आपको एक घर नज़र आ रहा है, ये घर तकमील के जो है वो मराहिल के अंदर है। इसका पहला लेंटर डल चुका है, कंस्ट्रक्शन सरमायाकारी अपना जो क्लाइंट है वो कर चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद उसकी फ़ाइल कैंसिल हो गई है। तो मैंने उससे पूछा कि यार फ़ाइल कैंसिल क्यों हुई आपकी, तो उसने कहा कि यार मैं हेड ऑफिस के अंदर गया, वहाँ पे कुछ लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा कि यार इंस्टॉलमेंट्स का कोई इशू नहीं है, आप अपना घर शुरू करें। उन्होंने मुझे मुतमईन किया और मैंने घर जो है वो शुरू कर लिया। अब जब लेंटर भी डल चुका है, मैंने सरमायाकारी भी कर दी है और सारी चीज़ें, तो कुछ इंस्टॉलमेंट्स की शॉर्टेज के बाद कंपनी ने फ़ाइल कैंसिल कर दी है और तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं, अभी तक उसकी फ़ाइल कैंसिल का मसला हल नहीं हुआ है। आज भी मैंने पूछा है लेकिन हल नहीं हुआ है। खैर, मुझसे उन्होंने प्लॉट नहीं लिया था और ना ही कोई गाइडलाइन ली थी, लेकिन उनकी कैंसिलेशन के वक्त वो हमारे पास तशरीफ़ ज़रूर लेकर के आए थे। तो इंस्टॉलमेंट की शॉर्टेज की वजह से जो है वो उसका प्लॉट जो है फ़ाइल कैंसिल कर दी गई। अच्छा, मैं अक्सर ये बात आप सबको कह रहा होता हूँ कि भाई एक सिंगल जो शॉर्टेज ऑफ इंस्टॉलमेंट है या कोई भी ड्यू अमाउंट है, कंफर्मेशन है या कुछ भी है, उसके बाद कैंसिल का ख़तरा सर पे मंडराता है, तो आप उसका रिस्क ना लें। बाद लोग कहते हैं यार एक महीना कंपनी रिलैक्सेशन तो देती है। भाई एक महीने की रिलैक्सेशन लेके क्या करना है आपने? लेट्स सपोज सेप्टेम्बर की इंस्टॉलमेंट है तो 1 सेप्टेम्बर को आपने वो जमा करवानी होती है, तो उसी महीने के अंदर की रिलैक्सेशन है, यानी कि 31 जो भी उसकी एंड डेट है उससे पहले पहले यू हैव टू पे दैट स्पेसिफिक अमाउंट जो ड्यू हुई थी। तो अगर आप नहीं करवाते उससे अगला महीना आ जाता है तो ख़तरा मंडराता है, रिस्क बन जाता है, आपकी फ़ाइल कैंसिल की जा सकती है। तो ऐसे रिस्क ना लें। वो लोग जो इंस्टॉलमेंट्स में नहीं इस तरह अलर्ट रह सकते, उनसे उनको मशवरा है कि वो इंस्टॉलमेंट के प्लान के अंदर आए ना, क्योंकि इस तरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं, भाग दौड़ करनी पड़ती है। आपने जो एक प्लान बाय किया है उस प्लान के हवाले से आपको चाहिए कि उसके मुताबिक चलें, फजूल किस्म की रिलैक्सेशन ढूंढें नहीं। 1-2 महीने की लेट्स सपोज आप रिलैक्सेशन ले भी लेते हैं, एक दफ़ा ले लेते हैं, 2 दफ़ा ले लेते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस हवाले से अलर्ट रहिए। रहमान गार्डन फेज 7 के हवाले से किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, आप मेरे नंबर पे जो स्क्रीन पे मौजूद है इस पे फ्रीली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।